आज इस पूरे वीडियो में देखिए कि हमारे यहाँ ये बासोड़ा जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो आज मैं आपको क्या क्या बना के दिखा रही हूँ बासोड़े में। और जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ बासोड़ा नहीं होता तो आप नहीं बनाए, कभी भी किसी भी टाइम इन चीजों को आप बना सकते हो। सारी रेसिपी तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन थाली बनाना आपको जरूर बताऊंगी, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए। आज चलते हैं एक बढ़िया सी रेसिपी बनाने के लिए, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू कर देते हैं। अक्सर बैगन की सब्जी हम कई टाइप से बनाते हैं, लेकिन अगर बड़ा बैगन मिल जाए तो हम अक्सर भरता ही बनाते हैं। लेकिन आज बड़े बैगन को भी कम तेल में बहुत ही क्रिस्पी बनाएंगे। मैं कोई मूंगफली नहीं डालूंगी, कोई बेसन नहीं डालूंगी, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालूंगी, फिर भी ये बैगन बहुत ही अच्छे बनेंगे, एक बार जरूर चेक कीजिए। मैंने एक बड़ा सा बैगन ले लिया है जिसे मैंने हाफ हाफ करके और इस तरीके से कट लगा दिए हैं। अब उसे मैंने पानी में डाल दिया। मुझे आज मिल गए हरे टमाटर, ये बहुत ही सीजन के बढ़िया टमाटर होते हैं और बिल्कुल आलू की तरह बनते हैं, मतलब ये गलते नहीं है जैसे लाल टमाटर होते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। चलिए इन दोनों को एक साथ बना लेते हैं। अब इनके लिए मैं जो मसाले ले रही हूँ बिल्कुल ही नॉर्मल, ये देखिए मैंने स्वाद अनुसार नमक ले लिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया और 1.5 से 2 चम्मच ले लिया धनिया पाउडर। इसके सिवाय ना हींग ना जीरा कुछ भी नहीं, फिर भी इतने लाजवाब बनेंगे कि आप देखते रह जाएंगे। सारे मसालों को मिला लीजिए और पहले आप टमाटर में भर लीजिए। अब इस मसाले में बहुत थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर में हम अमचूर पाउडर नहीं डाल सकते थे, लेकिन बैगन में डालेंगे नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा। अब बैगन में हमें इस तरीके से हल्का से हाथ से खोल खोल के इन सारे कट्स के अंदर हमें मसाले भरने, थोड़ा मसाला बचा के रखना है बाद के लिए, ना मैंने इन्हें डीप फ्राई करना है और ना ही मैंने इसे फटाफट बना के छोड़ देना है, फिर भी ये बैगन बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अभी हाल ही में हमारे यहाँ बासोड़ा बनता है, जिस बासोड़े में इस टाइप की सब्जियाँ बनाई जाती हैं। आलू कैसे बनाए जाते हैं, भिंडी कैसे बनाई जाती हैं, लौकी कैसे बनाई जाती है, वो मैंने पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ सब्जियाँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैगन की सब्जी। यहाँ देखिए मैंने एक पैन ले लिया और थोड़ा सा ऑयल डाला। अब ये बैगन भी रख देते हैं और ये टमाटर भी रख देते हैं। अभी हमने सीधा रखा है। यहाँ पर खास बात है इसे कम तेल में सही फ्राई करने की, ये वो होती है कि हम जब नीचे की तरफ रखेंगे तब थोड़ा सा तेज गैस रखेंगे, जब हम उल्टा करेंगे बैगन को तब हम स्लो फ्लेम रखेंगे, जिससे सामने से बैगन या टमाटर जले नहीं, उनकी स्किन अच्छे से पक जाए। बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। और बीच बीच में जब हमें जरूरत होगी तो हम ढक भी देंगे, जिससे ये बैगन अंदर तक सॉफ्ट हो जाए, ये बहुत जरूरी है। अक्सर हम इतने बड़े बैगन का सिर्फ भरता ही बनाते हैं, लेकिन एक बार आप इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिए। धीरे धीरे प्रेस करते हुए पूरे बैगन को सॉफ्ट भी करूंगी और पकाऊंगी भी, बिना जले कम तेल में बहुत ही बढ़िया बैगन और टमाटर बन जाएंगे। आप चाहें तो लाल टमाटर भी रख सकते हो, बस लाल टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है और फिर आप उसे जल्दी से निकाल के रख लो, क्योंकि यह हरे टमाटर की स्किन मोटी होती है तो ये बहुत जल्दी नहीं पकता। मैंने आपके सामने कुछ मसाला बचा के रखा था ना, अभी ये मसाला मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अभी भी ये बैगन पकेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, 15 से 20 मिनट टोटल लग जाएंगे इसे सब्जी को बनने में, लेकिन जो सब्जी अमेजिंग बनेगी ना, बस आप उसे जरूर ट्राई कीजिए। अक्सर हम दाल वगैरह के साथ इस टाइप की सूखी सब्जी खाना पसंद करते हैं। ये बड़े बैगन जो होते हैं ना, पहले थोड़ा ऑयल लेते हैं, बाद में ये निकल भी जाता है। आप देख रहे हैं जो मैंने ऑयल डाला था साइडों से कैसे निकल रहा है। अब ये बैगन तो थोड़ा बन रहा है, अभी इसमें थोड़ी सी कसर है। साथ में मैं आपको एक बहुत बढ़िया सिंधी फैमिली में जो बनता है वो बता रही हूँ। ये है बेसन की रोटी, इसको बेसनी कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा प्याज वाली कोकी, तो वो तो बनाते ही है। अब बेसन की रोटी में क्या फर्क है, लगती लगभग वैसी ही है, लेकिन इसमें क्या फर्क है वो देख लेते हैं। ये बेसन की रोटी हमारे गले को ठीक करती है। खासतौर से हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर जुखाम बहुत हो रहा है तो आप बेसन की रोटी खा लीजिए, और तो और ये डायबिटिक मेंबर के लिए बहुत बेस्ट होती है। यहाँ मैंने 2 कप लिया बेसन जो हमारे घर में होता है, और उसमें 1/2 कप डाल दिया है गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे को स्किप कर सकते हो। 2 प्याज डाल दिए बारीक कटे हुए, हरी मिर्च, हरा धनिया। अब इसमें मैंने डाल दिया नमक, नमक मिर्च थोड़ा सा अच्छे से डालें क्योंकि फीकी फीकी अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ी डाल दी मैंने कसूरी मेथी, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है 2 चम्मच भर के।
अब पहले एक बार बैगन को देख लेते हैं। अभी ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, इसका हम गैस थोड़ा सा फुल कर देते हैं और नीचे की तरफ उसे थोड़ा सा और पकने देते हैं। ऊपर की तरफ बहुत बढ़िया पक गया है, देखिए लाल कितना लग रहा है, बढ़िया। बस थोड़ा सा नीचे से और पक जाए। इस बैगन में, टमाटर में पानी नहीं होना चाहिए, इतना बढ़िया होता है। हम लोग बासोड़े में अगर बनाते हैं ना तो नेक्स्ट डे तक खराब नहीं होता। यहाँ पर मैंने थोड़ी अजवाइन ली है, जिसे थोड़े हाथों से क्रश करके इसके अंदर डाल दिया है। इस सारे बेसन में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे कोकी की तरह ही गूंथ लिया है। बहुत ज्यादा कस के नहीं गूंथना है, बस जस्ट जोड़ना है। और अब मैंने इसे ढक के रख लिया है 5 मिनट के लिए, जब तक बैगन को निकाल लेती हूँ। फिर हम तवे पर इसे बनाकर दिखाऊंगी कि ये बेसनी कैसे बनती है, बेसन की रोटी। टमाटर भी बहुत बढ़िया पक गए हैं, ये देखा आपने, बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं हो रहे, लिक्विड ही नहीं हो रहे लाल टमाटर की तरह। ये हरे टमाटर अगर आपको भी मिल जाए तो जरूर ट्राई कीजिए। ये बैगन इतना बढ़िया बनता है जैसे कई लोग फिश वगैरह खाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। मतलब हमारे यहाँ तो नहीं चलती है फिश वगैरह, लेकिन कई लोगों के यहाँ फिश वगैरह इसी तरीके से बनाई जाती है। चलिए अब फटाफट से बेसन की रोटी बना लेते हैं। तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगाइए और इसे बनाने का बिल्कुल तरीका अनोखा है। हाथों में पानी लीजिए और इस ये जो सेमी सॉफ्ट जो डो है, रोटी की तरह भी नहीं है, पराठे की तरह भी नहीं है, कोकी की तरह भी नहीं है, इसे थोड़ा सेमी सॉफ्ट गूंथते हैं और इसे एक पूरी लोई रखकर और धीरे धीरे फिंगर से इसे दबाते हैं। थोड़ी देर बाद आप इसे पलट लीजिए और धीरे धीरे या तो बेलन से इसे बेल लीजिए, पर मेरा तवा ना थोड़ा सा उठा हुआ है तो बेलन से मैं बेल नहीं पा रही हूँ, तो मैं इसे इस तरीके से जिससे रोटी हम दबा दबा के बनाते हैं ना, या पराठा, उसी से इसे पका रही हूँ। ये आप ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हो, अगर आपको 2 दिन भी रखनी है ना ट्रैवलिंग में कहीं, तब भी ये खराब नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि ये बिस्किट की तरह धीरे धीरे पकती है मीडियम फ्लेम पर, और चाय के साथ तो बहुत अमेजिंग लगती है। बासोड़े की कुछ चीजें मैं लास्ट में आपको बताऊंगी सर्व करते हुए, पूरा डिटेल नहीं बता पाऊंगी वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल न करें। ये देखिए, मैंने एक लोई उठाई, थोड़ा सा पानी लिया हाथों में, फिर से उसे दबा दिया। इसे बेलने का भी झंझट नहीं होता है और ये आराम से बन जाती है। थोड़ी देर बाद उसे पलट दिया और फिर दबा दबा कर उसे पतला कर दिया। बहुत पतला तो नहीं होता रोटी की तरह, पर हाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है, बिस्किट वाली जैसे, बिस्किट की जैसे मोटाई होती है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तेल लगाते जाइए, घी या बटर लगाइए। इसी तरीके से पूरे मिश्रण से 5 से 6 पीस ये बन जाते हैं। आप देख रहे हैं कैसे बिस्किट की तरह बन रही है, बस इसी तरीके से सारी हमें बनानी है। सारे बेसन के पराठे, जिसे हम बेसनी या कोकी कह सकते हैं, वो बनकर तैयार हो गए हैं। बैगन की भी सब्जी तैयार हो गई है। चलिए अब कुछ चीजें और बताती हूँ जो कि मैं थाली में रखने जा रही हूँ। इसका टेक्सचर देख रहे हैं, बिल्कुल कोकी जैसा है, बस यूँ समझिए बेसन की कोकी है। मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हाँ, आपके यहाँ भी इस टाइप की रेसिपी बनती है क्या? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। आज की जो थाली देख रहे हैं वो बासोड़े की थाली है। अक्सर साल में एक न एक बार बासोड़ा होता है अलग अलग टाइम पे। हमारे यहाँ इस समय राखी के बाद बासोड़ा होता है, इसी तरीके के पकवान बनते हैं। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। बहुत सारी चीजें तो शेयर नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आपके साथ शेयर की है। जैसे कि बेसन का पराठा, उसे कोकी भी कह सकते हैं, उसे कैसे बनाया जाता है वो मैंने डिटेल बताया है। और हाँ, ये मीठा कैसे बनाया जाता है वो मैं दिखा रही हूँ। इसे गुड़ और चीनी को गला के रखते हैं और उसे आटे से, गेहूं के आटे से बनाया जाता है। घी या ऑयल कुछ भी आप डाल सकते हैं उसमें। अब इसको तलते हैं कई घरों में, कई घरों में पकाते हैं। मैंने दोनों रेसिपी आपके साथ शेयर की है। कुछ ज्यादा डिटेल हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी चीजें अमेजिंग से दिखती हैं। इसी थाली को देखकर मुंह में पानी आ जाता है घर वालों को, क्योंकि साल भर इसका इंतजार होता है। इसके साथ अचार दही जरूर रखी जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके घरों में क्या क्या बनता है बासोड़े पे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।